हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? तो यार आज का व्लॉग कोई पंजाबी पंजाबी में नहीं है। आज जा रहे हैं मैं, मेरा दोस्त हसन और एक और लड़का है रेहान, नाश्ता करने दो दरिया पे। ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि दो दरिया क्या जगह है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि नाश्ता भी मिलता है वहाँ, क्योंकि आधी आवाम तो सुबह सो रही होती है। अब ये वीडियो देखने के बाद मेरी अम्मी कह रही होंगी तेरा क्या ख्याल है, मैं भी सो रहा हूँ तो, लेकिन नाश्ता करने के लिए उड़ जाता हूँ कभी कभी सुबह जल्दी। तो अभी इस्लाम भाई ने भी आना था लेकिन वो सोते पड़े रह गए, अब हम उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। तो हसन का इंतज़ार है, हसन आता है तो फिर आपसे मिलते हैं। ठीक से चले चलो, अब उसको उठाने रेहान को। हाँ, एक बात तो नाश्ता करने जा रहे हैं, दूसरी बात थी कि हम शूट करने जा रहे हैं फ़ोटो शूट। तो एक जगह पे दो दो चीज़ें हो रही हैं, अगर आपके पास भी कैमरा है तो वहाँ जगह दिखाऊंगा आज, वहाँ काफ़ी अच्छी जगह है फ़ोटो शूट के लिए। और अभी कैमरा लेने गया हुआ है दोस्त ऊपर, देखते हैं आएगा कब आएगा। तो यार अभी हम लोग आ गए उस जगह पे, लेकिन कुछ मिसिंग है, चश्मा तो दो यार। अगर चश्मा मिसिंग था, हमने सोचा नाश्ता करने से पहले फ़ोटो शूट कराने चलते हैं। तो अभी आपको उतर के जगह दिखाते हैं, आज कलीम भाई गए फुल शूट शूट होगा, फोटो शूट है। मुझे गोल गोल घुमा के दिखाओ अपनी, ये चलो अब चलते हैं। यार ये पीछे हमारे शूट चल रहा है, हसन भाई शूट कर रहे हैं। हसन भाई इधर तो आओ एक मिनट के लिए, हाँ उनसे कुछ दिल की बातें करनी है मैंने व्लॉग में। वैसे हसन भाई हमारे एक्स स्कूल मेट थे, अभी ये स्कूल में हम कॉलेज में आ गए, एक क्लास का फ़र्क है। सन भाई कुछ कहना चाहोगे मेरे सब्सक्राइबर्स को, कुछ भी मेरे बारे में कुछ भी? यार इतना मिलता नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा बंदा है ये, बहुत मतलब अभी पहली बार है हम लोग ऐसे अकेले, पहले हाँ अकेले, इससे पहले कभी भी नहीं है। इससे पहले अम्मा इजाज़त नहीं देती थी ना, हाँ अब बड़े हो गए। और बता कैमरा किसका उठा के ले आए थे यार, वो बेचारे को नींद। जो रेहान भाई है ना इधर आओ, तुम मेरे पीछे तो आओ। रेहान भाई से कभी मेरी बात नहीं हुई ना, मैं इनको जानता हूँ, लेकिन हसन भाई ने बोला चलो तो मैंने कहा चलें, क्योंकि बंदे कम पड़ रहे थे, मैंने कहा चलो। और बंदा आने वाला था लेकिन वो, हाँ एक और बंदा आने वाला था लेकिन वो सोता रह गया, हमने कहा यार टाइम नहीं है अब निकलना है। हसन ने अपनी छोटी बहन को स्कूल से लेना है, मैंने भी अपनी छोटी बहन को स्कूल से लेना था, इसलिए अभी हम लोग दूसरे पॉइंट पे आए हैं। ये पता नहीं कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है, फ़ोटो शूट करना है, हसन भाई को पता था, लेकिन कह रहे मेरा तो आना जाना रोज़ का है, दो तीन मर्सिडीज़ घर में खड़ी है। ये देखो फड्डा हो गया, करीब से क्यों ले रहा है, दूर से क्यों ले रहा है, अबे साले आते थे, अबे साले कभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, ये बात नहीं है जाहिर बात, माफ़ करना गुस्से में इधर उधर निकल, फड्डे नहीं करने, फड्डे नहीं करने। आ गए हैं फोटो शूट के बाद, अब नाश्ता करने और अल हबीब आए हैं, अब ऑर्डर वॉर्डर देंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। हसन भाई हवा कैसी चल रही है, अपनी तरफ कैमरा घुमा लो। नहीं नहीं यार मैं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड ख़राब कर दिया। हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया और हमने तीन पूरियाँ और सात प्लेन चने किए हैं, हलवा पूरी मतलब जो नॉर्मल होता है, और क्या कहते हैं अभी खाना वाना आएगा तो मिलेंगे। अच्छा एक किस्सा सुनाता हूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको, मैं छोटा था तो कराची आया हुआ था, अब मामू के घर था तो उन्होंने मंगवाई हलवा पूरी चने, अब मुझे चाहिए थे चने, मैं अपनी अम्मी को कह रहा हूँ नहीं चने नहीं, नहीं मैंने कहा अम्मी अम्मी मुझे हलवा पूरी खिलाई, मैंने कहा अम्मी हलवा पूरी खानी है, अम्मी कहती वही तो खिला रही, मैंने कहा अम्मी हलवा पूरी खानी है, अम्मी हलवा पूरी खानी, उन्होंने लग गया मैं छोटा था। तो मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा था कि मुझे चने खाने हैं, अम्मी को गुस्सा है, मेरे पागल है हलवा पूरी तो खिला रही हूँ और क्या खिला रही हूँ, सोचा ऐसे ही हलवा पूरी खा रहा हूँ, बात याद आ गई तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, खाने का वेट कर रहा हूँ तो आपस में वन टू वन, वन ऑन वन बातें हो जाएँ थोड़ी,
और इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी आ रही है भाई में, खाना आ गया, ये माल आ गया आ गया आ गया। भाई मुंह में पानी आ गया। अब हसन भाई का वेट करेंगे जब तक नहीं आते, फोटो शूट कराने गए हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ऐसे अच्छा नहीं लगता अकेले खाना, काफ़ी ज़्यादा आ गया, 3 पूरियाँ भी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ, हम जैसे खाने के लिए, हम जैसों के लिए। तो हाइपर लैप्स देखें खाना खाते हुए आगे। तो यार मैं वापस आ गया हूँ, रास्ते में कोई क्लिप नहीं बनाई ना मैंने उधर इतनी ज़्यादा बनाई, क्योंकि एक दफ़ा अगर मैं व्लॉगिंग करूँ और फिर दोस्तों को टाइम नहीं दे सकता, दोस्तों को टाइम दूँ तो व्लॉगिंग नहीं कर सकता। तो एक छोटा सा व्लॉग बनाया था, आखिर में एक मैं रिव्यू दूंगा, एक मशवरा दूंगा अल हबीब में से, अगर कोई देख रहा है मुझे, अल हबीब रेस्टोरेंट दो दरिया। सबसे पहला पॉइंट स्लोप, स्लोप काफ़ी मतलब अजीब सी थी, स्लोप का कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि फिर भी बंदे को उठाना पड़ा आगे जाने के लिए। दूसरी बात, खैर स्लोप वाली पे मैं एक और अलग वीडियो बनाऊंगा। दूसरी बात, एक सीन हुआ कि आपके स्टाफ को थोड़ा सुनना गौर से चाहिए, वो सुनते नहीं, भाग जाते हैं सुनते ही। अब हुआ ये, मैंने कहा अचार ला दें, तो अचार की जगह वो एक चाय ले आए। मैंने कहा चले ठीक है, आप मैंने गलत सुना या आपने कुछ गलत सुना। फिर मैंने फिर आया, कहता आपने क्या मांगा, मैंने कहा अचार मांगा है, तो कहता वो तो नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद चार चाय और लेकर आ गए, मैंने कहा भाई अब किसने चाय मंगवा ली, कहता आप झूठ नहीं बोले, ये नहीं करें वो नहीं करें। मैंने कहा यार मैं क्यों मंगवाऊंगा चाय, तो हमने पीनी नहीं, और एक आप पहले ला चुके हम चार बंदे, फिर एक और एक्स्ट्रा क्यों मंगवाएंगे हम, आप ये बताओ। फिर आगे से बदतमीजी करने लगे, आखिर में कहता कि चले हम आपके वो चार उसके नहीं लगाते चाय के, एक चाय के लगा देते हैं। खैर खाने का रिव्यू दूँ तो काफ़ी अच्छा था, और सब अच्छा था, टेस्ट में भी कोई मतलब हेल्दी था, मतलब जैसा कोई गंदा नहीं था, सफाई भी थी सब था, और सी साइड पे तो वैसे ही मज़ा था। चलें आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अम्मा की कॉल आ गई, घर के बाहर बना रहा हूँ मैं, तो दुआओं का तलब हुआ नवी उस्मानी, अल्लाह हाफिज़। कंसिस्टेंसी आ रही है वैसे।